हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई अंक की गणना करना। आज की इस वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ यूनिट डिजिट, कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन का इकाई अंक आसानी से कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के थ्रू हम पढ़ेंगे इकाई अंक की कैसे गणना करते हैं। ये क्वेश्चन जो है नियर अबाउट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ओनली वन मार्क्स में आता है, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम जो है कि इजिली और कम टाइम में कैसे आसानी से कर लेंगे तो देखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन होता है वो थ्री टाइप्स में आता है। नंबर वन है, पहला जो इसका टाइप है वो होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आएगा, ठीक है। दूसरा टाइप इसका होता है मल्टीप्लिकेशन में आता है, और तीसरा टाइप इसका होता है इंडिसेस या पावर कह लो, मीन्स घात में। ये तीन टाइप के क्वेश्चन इस पे आते हैं, ठीक है। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन में जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे हम चेक कर लेंगे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, या मल्टीप्लिकेशन में कैसे चेक करेंगे, या इंडिसेस में कैसे चेक करेंगे, तो हम सब बताते हैं इसको, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है एडिशन या सब्ट्रैक्शन प्रोसेस जो है इसको कैसे दिखाएंगे। तो जैसे देखो कि क्वेश्चन अगर हम आप दिखा दें 382 + 5391 + 3927 कर लेते हैं +4630 ये है आपका। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा, बोल रहे इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, खाली इकाई अंक जोड़ो आप, 2 1 3 हो गया, 3 7 10 हो गया, इकाई अंक पढ़ो 0 0, इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही हम केवल इकाई अंक को जोड़ेंगे, 2 1 3, इकाई को इकाई से 3 7 10, फिर इकाई पे ऑर्डर 10 माने 0 0 0 हो जाएगा। जैसे अगर एक क्वेश्चन और ले हम 5 3 6 3 + 8 3 2 1 + 3 1 7 3 4 + 8 9 2 9 1 + 3 9 1 9, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर कह दिया जाएगा इकाई का अंक बताइए, ठीक है ना। तो इकाई का अंक आप बताएंगे कैसे, 3 2 सॉरी 3 1 4, इकाई जोड़ना है 4 4 16 sorry 4 4 8 8 1 9 9 9 18, इकाई का अंक कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसा ना एडिशन का क्वेश्चन जो है इकाई का अंक फाइंड करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, इसमें सब्ट्रैक्शन अगर आया हो बीच बीच में तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे जैसे देखो वन है, 1 से 2 माइनस करेंगे तो आएगा -1, -1 से 0 माइनस करेंगे तो -1, फिर -1 और +1 कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 3 6, ठीक है ना, प्लस है, और 6 - 7 हो जाएगा -1, -1 - 7 हो जाएगा -8, -8 होता बताया हूँ आपको कि मैंने एक वीडियो बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला, वहाँ पे जाके देखिएगा। अगर प्लस करने पे -8 आ रहा है उसको 10 से माइनस करते हैं, 10 से 8 माइनस करेंगे आ जाएगा 2, तो इसका इकाई का अंक आ गया 2। तो ऐसे हम सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन के इकाई का अंक फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले में, चेक कर लेते हैं। अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया 8 3 2 4 × 3 2 4 1 × 3 8 3 2 × 8 3 5 9, यह मल्टीप्लाई करने पे इसके इकाई का अंक आएगा। तो जैसे आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन को प्लस या माइनस कर रहे थे, वैसे आप मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाई करके इकाई का अंक फाइंड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे 4 1 * 4 होगा, फिर ये 4 3 2 * 8 होगा, फिर 8 9 * 72, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 2, ठीक है ना। ऐसे इसमें कर लेंगे 3 0 * 0, बस जब 0 आ जाए इकाई का अंक तो उसका आंसर सीधे 0 लिखा करो, उसमें कोई इवर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर इकाई का अंक 0 अगर आ गया आपको पहले कहीं मिल गया तो वहाँ पे जाने की जरूरत है, क्योंकि 0 × something इज ऑलवेज 0, ठीक है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट चलते हैं इंडिसेस में, ये है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि 2131 के पावर 593 के इकाई का अंक क्या होगा।
ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे चेक करते, पहले इसको देखते हैं ठीक है ना। तो अगर इकाई के अंक में बेस माने आधार लिख रहे हैं, आधार यानी कि बेस, अगर आपके बेस का इकाई अंक, अगर आपके बेस का इकाई अंक आया हो 0, 1, 5, 6, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, अगर आधार मैंने बेस का इकाई अंक 0 आया है या 1 आया है या 5 आया है या 6 आया है, तो इसका इकाई अंक खुद वही होता है ठीक है ना। जैसे 1 है, इसका इकाई अंक 1 आया है, इसका इकाई सॉरी बेस का इकाई अंक 1 है, तो इस पूरे का मतलब इस समथिंग पावर 593 जो लिखा गया है इसका भी इकाई अंक 1 ही आएगा। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आती है अलग से ठीक है ना। अगर लास्ट में यहाँ पे 0 है, जैसे अगर हम लिख दें कि 2130 की पावर 593, तो इसमें भी इकाई का अंक 0 ही आएगा, जो 0 है वो आएगा ठीक है ना। 5 लिखेंगे तो वो भी 5 ही देगा, 6 लिखेंगे तो वो भी 6 सही आएगा ठीक है ना। तो 0, 1, 5, 6, ध्यान से एक बार फिर सुनिए। अगर बेस के इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 ये चारों में से कोई भी नंबर आया है, तो इस टोटल की वैल्यू जो होती है खुद वही इकाई अंक ही होता है ठीक है ना। 0 आया है तो 0 आंसर आएगा, 1 पे 1 आता है, 5 पे 5 आता है, 6 पे 6 आता है ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, अगर इकाई का अंक, अगर आधार जो है आपका बेस जो है उसके इकाई अंक में अगर 4 आया है या 9 आया है, तो हम कैसे जो है उसके उसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा तो इसका इकाई अंक क्या होगा ठीक है ना। अब हम ये जानेंगे, तो जरा ध्यान से देखो, मैंने टेबल बना रखा है। टेबल में मैंने कहा है कि अगर आपका आधार 4 है और घात दो टाइप में आएगी, सम आएगी या विषम आएगा। अगर विषम आता है तो उसका आंसर 4 होगा, और अगर सम आता है तो उसका आंसर 6 होगा ठीक है ना। वैसे 9 के लिए, अगर आधार 9 में है तो उसकी घात अगर विषम है तो उसका आंसर 9, सम है तो उसका आंसर 1 आएगा। तो देखो यहाँ पे ये आधार 4 है ना, देखो यहाँ पे 2134 मैंने लिखा है, इसके इकाई के अंक में 4 है, आधार की इकाई के अंक में 4 है, और इसकी पावर क्या है, सम है कि विषम, विषम है, देखो विषम है, तो विषम होने का मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा ठीक है ना। और अगर यही पे 592 होता, जैसे 2134 के पावर 592, तो इसका इकाई अंक आ जाएगा 6 ठीक है। 9 की बात कर ले, जैसे 2139 है के पावर 593 करेंगे, तो इसका इकाई अंक देखो 9 है लास्ट में, और इससे पावर आ रहा है विषम, तो पावर विषम आने का मतलब इसका आंसर 9 आएगा। और जैसे अगर ये 39 है के पावर हो जाएगा 592, तो आंसर आ जाएगा इसका 1, मतलब इसकी इकाई का अंक 1 आ जाएगा। तो 0, 1, 5, 6 के लिए ऑलवेज वही रहता है। 4 और 9 अगर आया है तो विषम आएगा, पावर विषम आएगा तो 4, और पावर सम आएगा तो 6। 9 के लिए अगर पावर विषम है तो इसका आंसर 9 ही होगा, और सम है तो आंसर 1 होगा। और बचा आपका 2, 3, 7, 8 ठीक है ना। तो उसके लिए हम देखते हैं ठीक है। तो प्लीज पॉज से बैठे, टू नोट इट डाउन फ्रेंड्स। अभी तक आपने बेस में पढ़ा 0, 1, 5, 6, 4, 9, अब जो पढ़ना है डिजिट, अगर आप बेस में आ रहा 2, 3, 7, 8 ये बचा भी है मेरे ख्याल से, तो ये अगर आएगा तो अब आप क्या करेंगे ठीक है ना। तो अगर आपका बेस का इकाई अंक, बेस का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 आया है, तो उसके इकाई अंक क्या होगा, कैसे हम सॉल्व करेंगे बता रहे हैं ठीक है ना। तो आप सबसे पहले आप लिखेंगे, सबसे पहले घात को 4 से विभाजित करते हैं, 4 से भाग देते हैं, ऐसा लिख दो, 4 से भाग देते हैं, भाग देंगे तो शेषफल आएगा ठीक है ना। शेषफल अगर आपका 1 आए तो शेषफल या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, इसके अलावा शेषफल कुछ आने वाला नहीं, तो 1 आएगा। अगर शेषफल 1 आता है और उसका बेस 2 है, तो उसका आंसर इकाई का अंक 2 आएगा। शेषफल 2 पे 4 आएगा, 3 पे 8 आता है, 0 पे 6 आ जाएगा ठीक है। अब आप कहोगे सर ये टेबल कैसे याद करें ठीक है।
तो कैसा याद करें, तो इसके भी एक ट्रिक है, मैं बता दे रहा हूँ कैसा, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन करते हैं, उसी में बता दिया जाएगा। तो इसकी घात कितनी है, 2134। सबसे पहले इसको 4 से भाग दो, क्योंकि बेस इसका 2 में है, देखो बेस का कैंग 2 है। तो 4 5 20 हो गया आएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 4 4 3 फिर 12 हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 12 हो जाएगा। इसका शेषफल क्या आ गया, 2। शेषफल कितना आया, 2। 2 शेषफल पे इकाई अंक कितना दे रहा है, 4। 2 के लिए क्या दे रहा है, 4। तो इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक बराबर 4। अगर आपको ये टेबल ना याद हो तो क्या करेंगे, तो देखो जरा ध्यान से, शेषफल 2 आया ना, 2 का टेबल 2 बार से पढ़ेंगे। देखो ऐसा, 2 माने 2 खाते 2 क्या आता है, 2 खाते 2 कितना हो जाएगा, 4 आप लिख लेंगे। और अगर शेषफल 3 आता है यहीं पे, तो 2 खाते 3 कर लेते, 2 खाते 3 में 2 दुना 4 दुना 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और शेषफल 0 अगर आएगा, तो 0 शेषफल पे 2 घाते 4 करेंगे, 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16, जाके आंसर आ गया 6, ठीक है ना। फिर अगर हम देखते हैं, अगर यही इकाई का अंक आपका होता 3, ठीक है ना, लिख दे रहा हूँ, अगर इकाई का अंक होता 3, तो आप 4 से भाग देते इसमें, ठीक है ना। तो 4 से भाग देने पे क्या आ रहा है, इसका शेषफल 2 आ रहा है। तो 2 आने का मतलब है, देखो 3 आधार है, शेषफल 2 है, तो इसका आंसर 9 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है इसका, 9। लेकिन अगर आपको ये याद ना हो तो क्या करेंगे, ये तो मैंने आपके हिंट्स के लिए लिख दिया है। तो देखो 3 2 आ रहा है, 3 घाते 2 कर देना, 3 घाते 2 कितना होता है, 9। इकाई का अंक आ गया 9। और अगर शेषफल 3 आता, 3 घाते 3 कर लेंगे, 27। इकाई अंक आ रहा है 7 इसमें। अगर शेषफल 4 माने 0 आता, देखो हमेशा शेषफल 0 के लिए पावर 4 लगा देंगे, 3 घाते 4, 3 घाते 4 क्या होता है, 81। इकाई का अंक देखो 1 आ रहा, तो वही यहाँ पे किया गया है कि पावर 1 आ रहा है, 3 के पावर 1 लिख दे रहे हैं, पावर 2 सॉरी शेष, अगर शेषफल 1 आ रहा है, 3 के पावर 1, शेषफल 2 आएगा, 3 के पावर 2, शेषफल 3 आएगा, 3 के पावर 3, शेषफल 4 नहीं आता है, 0 आएगा, तो 3 पावर 4 कर देना यहाँ पे। वैसे यहाँ पे 7 पावर 1, 7 पावर 2, 7 पावर 3, 7 पावर 4, सिमिलरली 8 पावर 1, 8 पावर 2, 8 पावर 3, 8 पावर 4, ऐसा करके यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका मैंने एग्जैक्टली टेबल बना लिया है, तो आप टेबल याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर नहीं याद है एग्जाम में टेबल, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे अगर इकाई अंक यहाँ पे 7 आया, सॉरी बेस में इकाई अंक 7 है, पावर ये है, डिवाइड करेंगे, शेषफल अगर 3 आ गया, तो 7 घाते 3 वही चेक कर लो, 7 7 49 3 43, इकाई अंक 3 आया, आंसर 3 आ जाएगा, देखो यहाँ पे आया भी। तो इस तरीके से आप जो है कि पावर कुछ भी है, आप देखेंगे बेस क्या है, बेस का इकाई अंक क्या है। तो बेस का इकाई अंक अगर 0 1 5 6 आया, तो आंसर 0 1 5 6 में से ही कुछ रहेगा। और अगर वो 4 या 9 में आया है, तो उसमें सम या विषम करके आएगा, विषम में 4 वही रहेगा जो 4 है, 4 रहेगा, 9 है, 9 रहेगा, सम में चेंज हो जाएगा, 6 या 1 रहेगा। और बाकी 2 3 7 8 के लिए मैंने कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, सबसे पहले घात को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर शेषफल 1 2 3 या 0 आएगा, 1 आएगा, तो सेम वही चीज़ रहेगी। 2 के लिए 4 9 9 4 हो जाएगा, 3 के लिए 8 7 3 2 हो जाएगा, 4 मैंने शेषफल 0 आएगा, 6 1 1 6 आएगा। और अगर ये चीज़ याद ना हो, आप जो वही काम करेंगे, रिमाइंडर 3 अगर आए तो जिसके हैं, जैसे 3 है तो 3 के पावर 3 निकालो, 27 27 27 मैंने लिखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो ये रहा आज के ट्रिक स्टूडेंट्स की, कैसे हम इकाई अंक की गणना करेंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा जरूर से, साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी, ये ट्रिक कैसे लगी, ठीक है। और स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखा था, उसका आंसर दिया सबसे पहले आकांक्षा राज, शिवम तिवारी, बालकृष्ण यादव, सूरज प्रजापति, अलका राज, ज्योति राय और स्टूडेंट्स राजन राय। तो ये रहे स्टूडेंट्स आपके नेम्स, और बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा क्लैपिंग आपके लिए स्टूडेंट्स। और ऐसे लग रही इस तरीके की वीडियो के लिए स्टूडेंट्स, और मेहनत से पढ़िए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आज का ये क्वेश्चन है, इस ट्रिक पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको कौन सा ट्रिक सबसे अच्छी लगी। वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से करिएगा, और इस YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मोर अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया शॉर्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।